videos, we have already discussed major important romantic poets of romantic age, such as William Wordsworth, S.T. Coleridge, P.B. Shelley, John Keats. Today we are going to discuss another romantic poet, Robert Southey. Let's start Robert Southey. Robert Southey, lifetime 1774 to 1843. He was one of late poets along with William Wordsworth and Coleridge. Who are late poets? Late poets are those poets who live in Lake District of England. Lake District of England is surrounded by lakes. That's why these poets are called late poets. Next one, he planned to create a utopian society. Utopian society, Pantheocracy. उन्होंने रॉबर्ट साउदे, रॉबर्ट लोअल के साथ मिल करके एक यूटोपियन सोसाइटी को बनाने का फैसला किया था, लेकिन वो इसे बना नहीं पाए थे. कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पैंटिशोक्रेसी से रिलेटेड कौन कौन से पोइट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं? रॉबर्ट साउदे, रॉबर्ट लोअल और एस.टी. कोलरिज. नेक्स्ट वन, ही बिकेम पोएट लॉरिएट फॉर 30 ईयर्स, फ्रॉम 1813 to 1843. वे पोएट लॉरिएट भी रहे थे 1813 से लेकर 1843 तक. उनकी डेथ तक वो पोएट लॉरिएट रहे थे. नेक्स्ट वन, विद कोलरिज ही रोट द फॉल ऑफ रोब्सपायरे. उन्होंने कोलरिज के साथ मिलकर के एक प्ले भी लिखा था, उसका नाम क्या था? द फॉल ऑफ रोब्सपायरे. नेक्स्ट वन, ही सेड टू शार्लोट ब्रोंटे. उन्होंने शार्लोट ब्रोंटे के बारे में क्या कहा? देखिए, ब्रोंटे ने अपनी कुछ पोएम्स पर एडवाइस देने के लिए, उनके पास सजेशंस लेने के लिए अपनी पोएम्स को भेजा था. उन्होंने उनके पर्सनल टैलेंट को तो प्रेस किया, लेकिन प्रोफेशनली जो टैलेंट, प्रोफेशनली राइटिंग का जो टैलेंट है, उसके लिए उन्होंने शार्लोट ब्रोंटे को क्रिटिसाइज भी किया और क्या कहा? लिटरेचर कैन नॉट बी बिजनेस ऑफ ए वोमेंस लाइफ. कि लिटरेचर जो है वो किसी औरत की जिंदगी में बिजनेस की तरह वह राइट नहीं कर सकती लिटरेचर को, वोमन अपनी लाइफ में. तो ये जो स्टेटमेंट है कई बार एग्जाम से पूछ ली जाती है कि किसने कहा लिटरेचर कैन नॉट बी बिजनेस ऑफ ए वोमेंस लाइफ, किसने कहा? रॉबर्ट साउदे ने. किसके बारे में कहा? शार्लोट ब्रोंटे के बारे में. द नेक्स्ट वन, ही आल्सो रोट बायोग्राफीज ऑफ. उन्होंने बायोग्राफीज भी लिखी हैं. किन किन की बायोग्राफीज उन्होंने लिखी हैं? फर्स्ट वन जॉन बनियन, सेकंड जॉन वॉल्से, थर्ड वन ओलिवर गोल्डस्मिथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जॉन बनियन, जॉन वॉल्से, ओलिवर गोल्डस्मिथ बायोग्राफीज आर रिटन बाय रॉबर्ट साउदे. नाउ वे आर गोइंग टू डिस्कस हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स. द फर्स्ट वन, द फॉल ऑफ रोब्सपायरे. द फॉल ऑफ रोब्सपायरे एक प्ले है, 3-act प्ले है. किसके द्वारा लिखा गया है? साउदे एंड कोलरिज के द्वारा. इसके अंदर है क्या? इट फॉलोज द इवेंट्स इन फ्रांस आफ्टर डाउनफॉल ऑफ रोब्सपायरे. रोब्सपायरे जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक मेजर पॉलिटिशियन थे और उनके डाउनफॉल के बाद फ्रांस में क्या स्थिति रहती है, उस स्थिति के बारे में इस प्ले के अंदर डिस्कस किया गया है. तो अगर इस बॉक्स से क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो वह यही होगा कि साउदे के साथ मिल सॉरी कोलरिज के साथ मिलकर साउदे ने क्या लिखा, यह प्ले लिखा. और सेकंड वन, ये किसके बारे में? डाउनफॉल ऑफ रोब्सपायरे और आफ्टर डाउनफॉल द सिचुएशन ऑफ फ्रांस.
आफ्टर ब्लेनियम, ये इनकी एक पोएम है, एंटी वार पोएम है। अगर क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो यही किया जाएगा कि एंटी वार पोएम्स की कुछ लिस्ट दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि कौन सी एंटी वार पोएम नहीं है या फिर कौन सी एंटी वार पोएम है। तो फर्स्ट ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये देखें कि इस पोएम के बारे में क्या है, एंटी वार पोएम है। सेकेंड वन, इन साइट ऑफ बैटल ऑफ ब्लेनियम, यह बैटल ऑफ ब्लेनियम जो है उसके अंदर सेट है। बैटल ऑफ ब्लेनियम जो है वो स्पेनिश सक्सेशन के लिए एक वॉर हुआ था, उसके बारे में है। एक ओल्ड मैन अपने ग्रैंडसन्स को उस बैटल की कहानी को बता रहा है इस पोएम के अंदर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इंचकेप रॉक। इंचकेप रॉक जो है एक बैलेड है। आप जानते ही होंगे कि बैलेड क्या है, एक लिरिकल और म्यूजिकल पोएम है जो एक स्टोरी बताती है। नरेटिव पोएम और बैलेड में क्या डिफरेंस होता है, नरेटिव पोएम जो होती है वो नरेटिव टेक्निक में लिखी जाती है, लेकिन बैलेड जो है वो म्यूजिकल फॉर्म्स में फॉर्म में एक स्टोरी बताती है। इट इज़ ए बैलेड विद ए मोरल, इस यह एक बैलेड है एक मोरल लेसन के साथ। वो क्या है, हु डज रोंग विल बी पनिश्ड, जो भी कोई गलत काम करता है वो आखिर में सजा का अधिकारी होता ही है। यह परफेक्ट एग्जाम्पल है पोएटिक जस्टिस का। पोएटिक जस्टिस क्या है कि अगर कोई गलत करता है तो उसको उसकी सजा मिलती है, कोई अच्छा करता है तो उसको रिवार्ड मिलता है, यह जो है वो है पोएटिक जस्टिस। अब इसकी स्टोरी में है क्या, इसके अंदर यह दिखाया गया है कि इन चेहरे पर समुद्र के नीचे पत्थर के ऊपर कुछ रोक, समुद्र के नीचे जो है रोक के ऊपर कुछ एक बैल जो है वो वार्निंग बैल जो है वो लगाई गई थी, लेकिन जो पायरेट्स ने आके उन उस वायरल जो वार्निंग बैल है उसको उसको नष्ट कर दिया था। इसके बाद ये दिखाया गया है कि कैसे वह पायरेट्स जो हैं वो वहीं पर ही मर गए, क्योंकि उन्होंने उस बैल को हटाने का कार्य किया था इसलिए। तो इसके 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 अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो यही थे कि एक वो बैलेड है मोरल के साथ है, और तीसरा जो है इसके अंदर पोएटिक जस्टिस को दिखाया गया है। अब हम देख लेते हैं उनके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स को। नेक्स्ट स्टार्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट मेजर वर्क्स। फर्स्ट वन, थाल्बा द डिस्ट्रॉयर। इट इज एन एपिक पोएम इन 12 बुक्स। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि यह है कितनी बुक्स में डिवाइडेड है, तो यह कितनी बुक्स में डिवाइडेड है, इन 12 बुक्स। इट इज एन अरेबियन टेल अबाउट होदिर फैमिली एंड थाल्बा। यह एक अरेबियन टेल है। ये क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस प्रकार की टेल है। इट इज एन अरेबियन टेल। ये किसके बारे में है, होदिर फैमिली और थाल्बा के बारे में है। इसकी स्टोरी में है क्या, कुछ जो है जादूगर्स का समूह है वो एक भविष्यवाणी से डरे हुए हैं कि होदिर फैमिली का कोई मेंबर जो है वो उनके विनाश का कारण बनेगा, इसलिए वह पूरी होदिर फैमिली को मारने की सोचते हैं। लेकिन थाल्बा जो है वो बच निकलता है, और जब दोबारा से जो जादूगर है उसे मारने की कोशिश करते हैं तो जो जादुई रिंग होती है वो थाल्बा के पास आ जाती है, और थाल्बा जो है वो मिडल ईस्ट में उनको हराने के लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जाता है, और वह अल्लाह से बहुत ज़्यादा अल्लाह के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, इसलिए अल्लाह उसे उसको डिफीट करने के का रास्ता भी बता देता है। यही कहानी जो है वो थाल्बा में देखने को मिलती है। क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन ये है कि ये किस प्रकार की टेल है, क्योंकि अगर रॉबर्ट साउदी से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वह यही पूछा गया है कि उनकी जो पोएम्स हैं उनके अंदर किस प्रकार की टेल या लेजेंड है। नेक्स्ट है मेडोक, एपिक पोएम बेस्ड ऑन लेजेंड ऑफ मेडोक, वेल्स प्रिंस हु सेल्ड टू अमेरिका इन 12th सेंचुरी। इट इज आल्सो एन एपिक पोएम। इट इज अबाउट मेडोक, ए वेल्स प्रिंस हु सेल्ड टू अमेरिका। उस समय अमेरिका में क्या था, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होते थे, और जो मेडोक है उन्होंने सोचा था कि वह से खत्म करके यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्थापित करेगा। इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह यही होगा कि ये पोएम्स
जो है वो किस लेजेंड पर आधारित है? लेजेंड ऑफ मेडो, एक वेल्स प्रिंस। नेक्स्ट वन, द कर्स ऑफ कियामा। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट इज अबाउट हिंदू माइथोलॉजी। इट इज ऑल्सो एन एपिक पोएम इन 12 बुक्स। इट इज अबाउट हिंदू माइथोलॉजी। कैक्टस, किहामा, आरवेलन, केलिया, लव, लाडूराल्ड। इसके अंदर क्या होता है स्टोरी के अंदर? इसके अंदर एक किहामा नाम का एक प्राइस्ट है जो भगवान बनना चाहता है और बहुत सी डेमोनिक पावर्स को इकट्ठा कर लेता है और वह भगवान बनने की प्रोसेस को शुरू करता है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो उसके बेटे आरवेलियन के द्वारा इंटरप्ट की जाती है। आरवेलियन केलियाल का रेप कर देता है, इसी कारण से लाडूराल्ड जो है आरवेलियन को मार देता है। किहामा एक कर्स देता है, जिसने भी मेरे बेटे को मारा उसके लिए कर्स है। लाडूराल्ड जो है हिंदू गॉड्स के पास जाता है और उनसे सॉल्यूशन मांगता है और अंत में उस कर्स से भी आजाद हो जाता है और किहामा को डिफीट कर देता है। यही कहानी जो है कर्स ऑफ किहामा में हमें देखने को मिलती है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस पोएम? इट इज एन एपिक पोएम, सेकंड वन इन 12 बुक्स, थर्ड वन इट इज अबाउट हिंदू माइथोलॉजी। नेक्स्ट वन, ए विजन ऑफ जजमेंट, 1821। इन इट ही सोज हाउ द सोल ऑफ जॉर्ज वेंट टू हेवन। इसके अंदर दिखाया गया है कि जो किंग जॉर्ज है वो मर चुके हैं और उनकी जो आत्मा है वो हेवन में जा करके कैसा ट्रीटमेंट लेती है, इमेजिन करके उन्होंने इस पोएम के अंदर ये दिखाया है। इसके साथ साथ इन्होंने बायरन को भी अटैक किया है। क्या कहते हैं कि बायरन बिलोंग टू सेटनिक स्कूल ऑफ पोएट्री, प्राइड एंड इम्पायटी। इसी कारण से बायरन भी साउदे को क्रिटिसाइज करता है अपने वर्क में द विजन ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट है द डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो इनकी एक चिल्ड्रन बुक है। कई बार ये क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि जो डॉक्टर है वो कौन सी बुक है? चिल्ड्रन बुक है। तो आज हमने किया रॉबर्ट साउदे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्क्स को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रॉबर्ट साउदे में क्या है? थालवा, द कर्स ऑफ किहामा, ए विजन ऑफ जजमेंट। इसके साथ साथ इसके अंदर ये भी देखा गया है कि रॉबर्ट साउदे ने कुछ लोगों की जो है बायोग्राफी भी लिखी है, जो मैंने आपको उनके इम्पोर्टेंट बायोग्राफी से रिलेटेड पॉइंट्स में करवाया है। आज हमने किया रॉबर्ट साउदे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉर्ड बायरन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।